ये सैलरी जो है आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर होती है। तो जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लान्स। द नंबर वन इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल प्लान एंड नंबर टू इज कॉल्ड द पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये दोनों प्लान एग्जिस्ट करते हैं। बाज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर होता है वहाँ पर ज़्यादा जो प्लान का पोर्शन होता है दैट्स कॉल्ड द पे फॉर परफॉर्मेंस। जहाँ पे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वहाँ पर आमतौर पर जहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है वहाँ पे आमतौर पर लोग ट्रेडिशनल पे प्लान को फॉलो करते हैं, क्योंकि पे फॉर परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो वो बहुत ही साउंड होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम साउंड नहीं होगा तो पे फॉर परफॉर्मेंस जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा कंपनी के लिए, क्योंकि वो लोग जो काम नहीं करेंगे वो भी अच्छी पे ले जा रहे हो, क्योंकि जो परफॉर्मेंस जो है अप्रेजल का सिस्टम है या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का जो सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। उससे लोगों को जो है की जो इवैल्यूएशंस है उनको फेयरली जो है इवैल्यूएट नहीं किया जा रहा, बाइसनेस है उसके अंदर, या वो सिस्टम इस तरह के हैं कि कोई उसके अंदर लूप होल्स हैं जिसकी वजह से इम्प्लाईज उस सिस्टम पर बिलीव नहीं करते। तो जब इम्प्लाईज को सिस्टम पर बिलीव नहीं होगा तो वो परफॉर्मेंस शो नहीं करेंगे। अगर उनको ये पता चल जाए कि सिस्टम जो है वो तो पे फॉर परफॉर्मेंस का है लेकिन ऐसे भी लोग पे ले रहे हैं अच्छी जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे सिस्टम में दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर पे फॉर परफॉर्मेंस। इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादातर आसानी के लिए लोग जो है वो ट्रेडिशनल पे सिस्टम की तरफ जाते हैं जहाँ पर सैलरी रेंजेस होती हैं और उसी रेंजेस के अंदर रहते हुए आमतौर पर आपको एक्सपीरियंस और आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर जो है आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशंस मिल जाते हैं। बट पे फॉर परफॉर्मेंस में एक्सपीरियंस की कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है दैट इज द पे फॉर परफॉर्मेंस। यस, आप लोगों में से कोई कमेंट करना चाहेगा इसके ऊपर, ट्रेडिशनल पे वर्सेस पे फॉर परफॉर्मेंस? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में इसमें से कौन सा सिस्टम जो है इम्प्लीमेंटेड है? एनीवन? सर मोस्टली ये देखा गया है कि एक्सपीरियंस को ही प्रेफर किया जाता है मोस्टली रेलेवेंट फील्ड में। देखा गया है कि एक्सपीरियंस को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है जी, तबहर बोल रहे? ठीक यस सर। है जी, इसका आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रेडिशनल पे प्लान ज्यादा फोकस किया जाता है। जी हाँ सर, आप किसी भी फील्ड में देख लें वो कहते हैं एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन दिस रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, एनीवन एल्स? जी शैला, आप कुछ कहना चाह रही थी? सर मैं यही कह रही थी कि ट्रेडिशनल मेथड्स ही जो हैं पे के वो ही यूज किए जाते हैं, पे फॉर परफॉर्मेंस तो नहीं देखा मैंने पे फॉर हमारे परफॉर्मेंस को आपने नहीं देखा अभी तक, आपने ट्रेडिशनल पे प्लान को देखा है। ये सर। वो हो सकता है कि कभी कोई इंक्रीमेंट इस तरह की इंक्रीमेंट्स इस तरह से लग जाएं किसी पर्टिकुलर पर्सन के, बट ऐसा होता नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड से यूज किए जाते ट्रेडिशनल मेथड हैं। ज़्यादा इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर नहीं है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है वो इतने ज़्यादा साउंड नहीं है, इसलिए जो है मेरा ये ख्याल है कि लोग ज़्यादातर ट्रेडिशनल पे प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं। यस सर पेफर परफॉर्मेंस क्या इस वजह से भी नहीं किए प्रेफर करती कंपनीज के, उनको फिर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग पे भी इनको कॉस्ट फिर बेयर करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उनको ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी ना अगर फ्रेश बंदा होगा। जी, डेफिनेटली आपको जब आप पे फॉर परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें से आपने एक चैलेंज उसमें बताया। जी फहद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर उसमें मैं ये ऐड करूंगा कि अमूमन जो जिस तरह तबर कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस बंदे की वाकई रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो ज़्यादातर जो ऊंची पोस्ट होती है जो मैनेजर या फिर उसके लिए ये रखते हैं कि उसमें कोई एक्सपीरियंस बंदा रखा जाए और उसके अंडर में कुछ ऐसे बंदे दिए जाते हैं जो अभी फ्रेश कॉलेज से निकले हुए होते हैं, क्योंकि फिर अगर एक्सपीरियंस के ऊपर कंपनी सारे ही बंदे एक्सपीरियंस में लेगी तो उनकी सैलरीज बहुत हाई हो जाती है, तो वो सही, एक बेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो वो अमूमन हमारी कंपनी में भी यही है और दूसरी जगह पर भी मैं ये देख रहा हूँ कि जो एक बड़ी पोस्ट होती है जो आपकी सुपरवाइजर या मैनेजर की होती है उसके लिए तो ये लोग एक्सपीरियंस ही देखते हैं, लेकिन
लेकिन उन उस बंदे के अंडर काम करने के लिए जो है वो ज्यादातर जो वो फ्रेश को देखा जाता है कि उसको हम जो है ना उससे काम ले लें, उसको काम सिखाएं। ओके ठीक है जी। जी अमन सईद, आपने दो दो जो है उससे क्यों ज्वाइन किया हुआ है? अमन सईद के नाम से दो लोग आ रहे हैं। जी जी सर, वो असल में सर मैंने लैपटॉप पे कनेक्ट किया था, तो असल में सर मैं अभी घर से थोड़ा बाहर आया तो मोबाइल पे भी कनेक्ट कर लिया था, लेक्चर सुन रहा था सर। अच्छा, तो घर पे भी कनेक्ट हुआ हुआ है और बाहर भी कनेक्ट हुआ हुआ है, चैलेंज गुड। जी जी सर, अभी सर वापस जाऊंगा ना सर अभी घर के अंदर, तो ये मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर दूंगा। चैलेंज, अच्छी बात है। ओके, तो एनीवन एल्स कोई और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कुछ बोलना चाह रहा है कि ट्रेडिशनल पे वर्सेस पे फॉर परफॉर्मेंस? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं फर्दर। एंड एम्प्लॉई परफॉर्मेंस, एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस जो है, द थ्री जनरल फैक्टर्स ड्राइविंग एम्प्लॉई परफॉर्मेंस, एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को तीन फैक्टर्स जो होते हैं वो आमतौर पर ड्राइव कर रहे होते हैं। उसमें एक फैक्टर जो है दैट इज द स्किल्स एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क, के अगर उस बंदे के पास स्किल्स और एबिलिटी नहीं है वो जो काम कर रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो काम या जॉब को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। नंबर टू जो है इसके अंदर हमारे पास है नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, रूल्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। अगर उसे प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स और रूल्स का मालूम नहीं है, के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो प्रॉपरली लोगों को गाइड नहीं कर सकेगा और उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। जब वो रूल्स को प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा, प्रोसीजर्स को लेकर फॉलो नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी, तो उसमें इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, रूल्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच ड्राइव एम्प्लॉईज परफॉर्मेंस। And the third one, if anyone have the skills and ability to perform the task, and if they have the facts or the information related to the rules, principles, and procedures, even though if he or she is not motivated to work or to perform, तो कोई भी उसको perform नहीं करा सकता। इसलिए जरूरी third factor ये है कि he or she want to perform. अगर वो परफॉर्म नहीं करना चाहता या वो अपने काम में इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो स्किलफुल हो, चाहे तमाम चीज़ों का नॉलेज रखता हो, चाहे वो कैपेबल हो, इंटेलिजेंट हो, बट इफ ही या शी इज नॉट विलिंग टू परफॉर्म एनीथिंग, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें, ये तीनों फैक्टर्स जो है वो एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं। तो किसी भी एम्प्लॉईज में ये तीनों फैक्टर होना बड़े जरूरी हैं। जब भी आप देखें इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो लोग मोटिवेशन के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, तो मोटिवेशन इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन इज विलिंग टू परफॉर्म, तो इज विलिंग टू वर्क, तो अगर उसकी मोटिवेशन नहीं है काम करने की, या वो डीमोटिवेटेड है वहाँ के इन्वायरमेंट से, वहाँ के बाकी जो प्रोसीजर प्रोसेस है उससे, तो इसका मतलब ये है कि ही विल नॉट परफॉर्म और शी विल नॉट परफॉर्म। ये तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, स्किल्स एबिलिटी, नॉलेज ऑफ रिलेटेड प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स एंड द मोटिवेशन। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर आमतौर पर एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं। या तो एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, या एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है, या एवरेज हो, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉईज की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। Okay, if you have no question, then moving toward the next slide. Okay, the principal determinants of job performance. So, kuch main important jo hai determinants hain jis jo job performance mein kaam aate hain. Iske andar teen important areas hain. Number one jo hai effort. Effort means the motivation. Number two, the behavior, and number three, performance. The effort leads to the behaviors and the behavior leads to job performance. ये basically तीन important areas कि आप अगर effort करते हैं तो उस effort से क्या होता है कि आपका behavior जो है वो generate होता है, और वो behavior क्या होता है, behavior is to perform the job. तो इसके दरमियान में दो जो आपको circle नज़र आ रहे हैं,
अब ये जो है इनके दरमियान में ये सर्कल्स, जैसे एफर्ट्स अगर कोई बंदा कर रहा है तो एफर्ट्स करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, उससे रोल पता होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी जो है ऐसी होनी चाहिए जो कि उस जॉब को, उस काम को सपोर्ट करती हो। तो अगर उसके रोल, उसकी नॉलेज एंड स्किल्स अवेलेबल है और लेकिन उसकी पर्सनालिटी जो है उसे सपोर्ट नहीं करती उस रोल को, तो इसका मतलब यह है कि उसकी एफर्ट्स जो है वो कन्वर्ट नहीं होंगी इनटू द गुड बिहेवियर, इनटू द पॉजिटिव बिहेवियर। तो ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा एफर्ट कर रहा है, मोटिवेटेड है किसी काम को करने के लिए, तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं करेगा, बल्कि ही और शी वांट्स टू इंक्रीज द नॉलेज एंड द स्किल्स एंड ही शुड नो और शी शुड नो द रोल कि उसका काम क्या है, व्हाट इज बेसिकली, व्हाट आर द जॉब डिस्क्रिप्शंस, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग और हु आर मेकिंग एफर्ट्स टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स एंड द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो आपकी पर्सनैलिटी अगर एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, या और जो है बहुत सारी टाइप्स की पर्सनैलिटीज है, उसमें से कोई पर्सनैलिटी आपकी है और वो पर्सनैलिटी आपकी जॉब से रिलेट कर रही है, तो देन यू कैन मेक मोर एफर्ट्स एंड बेसिकली मेक अ पॉजिटिव बिहेवियर। इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव बिहेवियर टू परफॉर्म समथिंग, उसके बावजूद भी बहुत सारी हर्डल्स आपके आ सकते हैं जो कि नेक्स्ट सर्कल के अंदर आपके पास मौजूद हैं। यानी अगर मोटिवेशन है तो ये सारी चीज़ें भी आपकी मैच करती हूँ अपनी जॉब के साथ। उसके बाद फिर बिहेवियर आता है, बिहेवियर टू परफॉर्म। अब जब बिहेवियर आपका बन जाता है, आपको पता है कि आपके पास स्किल्स भी है, एबिलिटी भी है, मोटिवेशन भी है काम को करने के लिए, ये तीनों चारों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तो इसका मतलब है यू डिज़ाइन योर बिहेवियर। जब आपका बिहेवियर डिज़ाइन हो जाता है तो आप मूव करते हैं टूवर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। बट जब आप टूवर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब जो है मूव करते हैं, तो देन वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ अदर हर्डल्स, जैसे कि इन वर्क एनवायरमेंट है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें फाइनेंशियल है, टेक्निकल है, मटेरियल है, ह्यूमन है, टेम्पररी रिसोर्सेज, तो ये वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी है। फर्ज करो कि आप बहुत अच्छा, आपका बिहेवियर है, पॉजिटिव है, एफर्ट्स भी कर रहे हैं और नॉलेज भी है, रोल्स, पर्सनैलिटी, एवरी थिंग इज मैचिंग टू योर जॉब। बट इफ यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, इफ यू डू नॉट हैव द feasible work environment to perform, if you do not have the capable and valuable your supervisors are the structural model of the organization, jo work distribution hai, jo communication ka flow hai, jo structure hai, jo authorities hai, wo kis tarah ki hai, wo agar proper define nahi hai, then that will be a problem for the company. isliye अगर किसी कंपनी, किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज को परफॉर्म आपने कराना है, तो दो बड़े इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं। पहला तो वो इंडिविजुअल का एरिया है, जिससे नॉलेज, स्केलेबिलिटी, रोल, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें इसे मालूम होनी चाहिए, जिससे वो बिहेवियर को डेवलप करता है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज है, हाउ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द इंडिविजुअल्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर इंडिविजुअल्स को वो फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल्स को वो प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट नहीं दे रहा है, वो अवेलेबल रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल नहीं है जो कि उसको जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसका प्रॉपर जो वर्क डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं है, जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो अगर चीज़ें नहीं है, तो देट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क on this slide. Yes, anyone? किसी का कोई सवाल हो इस स्लाइड पर तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जॉब की परफॉर्मेंस के लिए बड़ा ज़रूरी है, यानी अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो उसके ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, एफर्ट बना रहे हैं, तो एफर्ट्स मेड के लिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें जो सर्कल वन में नज़र आ रही हैं वो मौजूद होनी चाहिए उस एम्प्लॉयज़ में, और इन सारी चीज़ों से मिलकर एक एम्प्लॉय का बिहेवियर बनता है जो कि ही आर शी वांट टू परफॉर्म। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर्स होते हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, या वहाँ का स्ट्रक्चर होता है, वो उसे परफॉर्म नहीं करने देता
क्योंकि वो उसकी फेवर में नहीं होता, इस वजह से वो प्रॉपर जॉब की परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। अगर ये चीज़ें भी फेवर में हों तो इसका मतलब है वो अच्छी जॉब को परफॉर्म करेगा। सर टेम्पोरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सॉरी सॉरी कुछ क्वेश्चन है आपका? सर टेम्पोरल जो लिखा है पॉइंट सबसे लास्ट में, जी 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 रिसोर्सेज है ये अवेलेबल रिसोर्सेज में जो है ये भी एक चीज़ है जिसके अंदर जो है वो प्रोग्रेस है, हिस्टोरिकल एक्टिविटीज आपकी हैं, टाइम का है और इस तरह की चीज़ें जो है ये दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन इन द रिसोर्सेज। यस एनी अदर क्वेश्चन? Okay, moving towards the next slide, there are the different kinds of theories. अब तक आप बहुत सारी theories को पढ़ चुके हैं, discuss कर चुके हैं, तो उनमें से कुछ theories को हम आज पढ़ेंगे, but it is very much related to the performance of the individuals. The motivations की theories जो है human resource management के अंदर, उसे हम discuss करेंगे. जिसमें पहली जो theory that is based on the needs. ये दो थ्योरी हैं जिसमें से एक थ्योरी का नाम है मैस्लोज नीड हायरार्की, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड भी इसको कहते हैं, और दूसरी थ्योरी है हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो ये जो है ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो ऐसी थ्योरीज हैं जो नीड बेस्ड हैं, जो इम्प्लाइज की जो नीड होती है उसकी बेस पर ये थ्योरीज बनाई गई हैं, और दूसरी जो है वो है बेस्ड ऑन एम्प्लॉयर और एम्प्लाइज रिलेशनशिप, एम्प्लाइज और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के ऊपर जो है ये थ्योरीज बनाई गई है। ओके ये जो थ्योरी है दैट इज दी, इसमें एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी है, री इन्फोर्समेंट थ्योरी है, गोल सेटिंग थ्योरी है और एजेंसी थ्योरी है। तो दीज आर द टोटल 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज, 2 थ्योरीज बेस्ड ऑन द नीड्स एंड 5 थ्योरीज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। तो स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी को, मोटिवेशन थ्योरी, जिसमें मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, या परफॉर्मेंस बेस्ड पे के लिए इस थ्योरी को इस्तेमाल किया जा सकता है। जी तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड जो है उसके जो कितने लेवल होते हैं? 5 लेवल होते हैं। कौन कौन से हैं 5 लेवल्स? किसी को याद है? सोशल नीड, सेफ्टी, सर नीड्स आती हैं सारी, लव एंड जी कौन सी नीड्स है वो जो आती है? सर फूड, शेल्टर, सर साइकोलॉजिकल, सोशल और बाकी तीन याद नहीं आ रही। ओके तो सर पहले थोड़ी जो है उसको कहते हैं सर सेक्सुअलाइजेशन भी होती है जी। सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है वो बेसिक नीड का पार्ट है, जिसके अंदर दो चीजें आमतौर पर उसमें आती हैं, जिसमें एक होती है फिजियोलॉजिकल नीड और एक होती है सेफ्टी नीड। फर्ज करो कि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पहली तो आपकी जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है। फिजियोलॉजिकल नीड्स से क्या मुराद है? फिजियोलॉजिकल नीड्स से मुराद है जैसे फूड, वाटर, रेस्ट, वार्म एंड कोल्ड वेदर। दीज आर बेसिकली दी आपकी बेसिक नीड है, जिसके खाने के बगैर आप रह नहीं सकते, पानी के बगैर आप रह नहीं सकते, रेस्ट भी आपको चाहिए कि रात को अगर आपको सोना ना मिले तो आप जो है आपके लिए मसला हो जाएगा। इसी तरह अगर मौसम बहुत ठंडा और मुस्तकिल इस तरह रहे और उसके लिए कोई आपके पास ऑप्शन अवेलेबल ना हो, दैट विल बी आल्सो प्रॉब्लम। तो आपके लिए तो सबसे पहले जो है वो है क्या है, बेसिक नीड है, और बेसिक नीड में जो नीड आती है वो है बेसिकली आपके पास साइकोलॉजिकल सेफ्टी। और दूसरी जो नीड है वो है सेफ्टी नीड, जिसके अंदर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। फर्ज करो जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस कंपनी में रहते हैं, उसमें आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड नीड है। कंपनी में भी जाए तो आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो कंपनी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। इसी तरह उसके बाद जो हमारे पास नीड्स आती हैं, देन वी हैव बेसिकली दी साइकोलॉजिकल नीड्स। तो पहली जो दो नीड्स को जो उन्होंने किया है
वो जो है बेसिक नीड कहलाती है, क्योंकि इसके बगैर कोई बंदा जो है वो जी नहीं सकता। तो असल में ये जो मैस्लो हायरार्की नीड है, ये बेसिकली इसलिए बनाई गई है ताकि आप जो एम्प्लाईज हैं उनका डिफरेंट लेवल चेक कर सकें कि आपके पास जो एम्प्लाईज काम कर रहे हैं वो उनकी बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है या नहीं हुई है, या वो अभी जो है बेसिक नीड पे ही है। तो आप उनके लिए उसी तरह के इंसेंटिव जो है वो बनाएंगे और उसी तरह उन्हें फैसिलिटेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा जो है वो बेसिक नीड उसकी पूरी नहीं है, जिसके पास घर में बच्चों के लिए खाना नहीं है, प्रॉपर पानी नहीं होता, रेस्ट नहीं कर सकता, तो उसको अगर आप ये ऑफर करें कि जी हम आपको जो है घूमने फिरने के लिए मरी भेज रहे हैं और उसका पूरा खर्चा जो है वो कंपनी उठाएगी, तो वो उसके लिए मोटिवेटर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले मोटिवेशन ये है कि उसके घर के अंदर जो बेसिक नीड्स है उसे पूरा किया जाए। अगर उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाएंगी तो देन यू कैन मूव फर्दर टूवर्ड्स दी अदर नीड्स, जिसको हम साइकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। तो साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर दो नीड्स जो है इम्पोर्टेंट है, एक है बिलोंगिंगनेस और एंड लव नीड्स, जिसमें आप रिलेशनशिप जो है, जिसमें आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। फर्ज करो कि इसके अंदर आपने ये देखना है कि कंपनी क्या उनको ये फैसिलिटेट कर रही है, कि क्या उनका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो रहा है, क्या वो सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, क्या वो लोगों के साथ उठना बैठना है उनका, या वो सारा दिन बेचारे काम पे ही लगे रहते हैं। तो ये उनकी एक साइकोलॉजिकल नीड है कि वो सोशल गैदरिंग में जाए, अपने दोस्त बनाए, दोस्तों के साथ मिले, अपनी फैमिली में जाए, अपने रिलेटिव से जाकर मुलाकात करें। ये बेसिक नीड है, ये साइकोलॉजिकल नीड है। जब बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है तो इंसान फिर इस तरफ आ जाता है कि वो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अब आपने कंपनी जो है अब इसी के ऊपर काम करेगी कि किस तरह उसकी इस नीड को फुलफिल किया जाए। देन वी हैव द प्रेस्टिजियस एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अब स्टीम नीड्स जिसको हम कहते हैं। स्टीम नीड्स के अंदर जब ये तीनों चीजें भी पूरी हो जाती हैं, बेसिक नीड भी आपकी हो गई, साइकोलॉजिकल नीड का आधा हिस्सा भी हो गया, तो अब आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें। कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसको करके आप बहुत खुश हो, तो आप ऐसे लोगों को जो है कोई ऐसे टास्क असाइन कर सकते हैं जिसको अकम्प्लिश करें, तो वो फील करें, प्रेस्टिजियस फील करें। तो इस तरह की असाइनमेंट, चैलेंजिंग असाइनमेंट उनको आप असाइन करें, और उसकी बेस के ऊपर उनके इंसेंटिव जो है वो तैयार कर सकते हैं, या उनके लिए कोई ऐसी रिवॉर्ड और रिकग्निशन रखें जिसको वो वाकई में अपने लिए एक अकम्प्लिशमेंट समझते हो। यानी आप ये कर सकते हैं कि जो है लोगों के सामने उन्हें उनकी तारीफ करें। अब यहाँ पर जो है उनके पैसों की और दूसरी नीड्स तकरीबन हो गई, तो अब आप उनको क्या चाहती है, उनकी तारीफ करनी है आपने, तो आप उनको सबके सामने ले जाएं, उनकी तारीफ करें। तो आपने क्या करना है, ये लोगों की नीड्स मालूम करनी है कि लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं और क्या है। इसी तरह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो इसकी फाइनल नीड होती है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूड जो है क्रिएटिंग एक्टिविटी। फर्ज करो कि अब लोग ये चाहते हैं कि अब उनके लिए अकम्पलिशमेंट कोई मायने नहीं रखती है, उनके लिए रिलेशनशिप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके पास हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो ऑलरेडी फुलफिल है। अब उनके लिए जो चीज़ है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो बहुत ही कम लोगों में ये चीज़ें होती हैं जो कि दुनिया के बाकी तमाम चीज़ों से बिल्कुल अलग जो है वो होता है, और वो अब ये चाहते हैं कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। तो सोसाइटी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे वो असल में अपनी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 टाइप्स की नीड्स हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, बिलोंगिंगनेस एंड लव, स्टीम नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये 5 टाइप्स की नीड्स हैं। उसमें पहली दो जो है वो बेसिक नीड में आती हैं, दूसरी दो जो है वो साइकोलॉजिकल नीड में आती हैं, और जो लास्ट वन है वो है
सेल्फ फुलफिलमिंग नीड्स, तो सेल्फ फुलफिलमिंग जो है उसके अंदर आती है। तो ये कुछ जो है वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड जो है उसके हवाले से, उसकी ये बेसिक जो फाइव जो डायमेंशन है उसको आपने डिस्कस किया और इसी के बेसिस पर आपने फैसला करना होता है। तो इसमें पहला पॉइंट जो आपको स्लाइड में नजर आ रहा है वो ये है, मस्ट बी सेट हाई एनफ टू मीट द बेसिक लिविंग नीड्स। तो इसके लिए जरूरी है कि जो बेसिक नीड्स है वो हम बात कर चुके हैं, वो जरूरी है कि उसे फुलफिल होना चाहिए। एट द रिस्क प्रोग्राम विल नॉट बी मोटिवेटेड इज इट रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉइज एबिलिटी टू मीट द बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड ऐसी ऐसा कम से कम कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए एम्प्लॉइज की मोटिवेशन के हवाले से कि जो रिस्क पर खड़े हुए होंगे उनको उनकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं होगी। अगर उनकी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं होगी तो बेसिक नीड उनकी पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत हाल में वो प्रॉपर जो है वो नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह जो है इंसेंटिव पे इज मोटिवेटिंग इफ अटैच्ड टू अचीवमेंट रिकग्निशन एंड अप्रूवल। तो ये मोटिवेशन हो उसके लिए होती है अगर इंसेंटिव आप दे दें उनको उनकी अचीवमेंट के ऊपर, उनको रिकग्नाइज कर दें। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड के हवाले से ये हमने डिस्कस किया। अगर कोई क्वेश्चन आपका है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। जी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड के लिए कोई क्वेश्चन है तो आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चन। अगर आप में से कोई कोई सवाल पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकता है। नो सर। ओके, किसी का सवाल नहीं। अच्छा, तो हमारे पास ये अभी हम दोबारा रीज्वाइन करेंगे, एक मिनट रह गया हमारे पास, और फिर हम अगली जो थ्योरी है जो कि हमारे पास है हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी को हम जो है वो अगली जो हमारी जो है क्या कहते हैं सेशन है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो तो वो भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन कोई कमेंट कोई सवाल कुछ भी। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के, तो एक मिनट इसको में रह गया है, बस एक मिनट का आप इंतजार कर लो तो हम दूसरा जो है स्टार्ट करते हैं।